एक धनी जमींदार का नौजवान बेटा किसी महात्मा के पास जाया करता था। साधु संघ के प्रभाव से उसके मन में कुछ वैराग्य पैदा हो गया। उसकी महात्मा में बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रेम के साथ महात्मा की सेवा किया करता था। कुछ दिन बीतने पर महात्मा ने उससे बड़ा खुश होकर उसे शिष्य बना लिया। अब वह बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु महाराज की सेवा करने लगा। कुछ दिन तक तो उसने बड़े चाव से सारे काम किए, पर आगे चलकर धीरे धीरे उसका मन चंचल हो उठा। संस्कारवश पूर्व स्मृति जाग उठी और कई तरह की इच्छाओं के चक्कर में पड़ने से उसका मन डामाडोल होने लगा। उसे महात्मा के सानिध्य में रहने के कारण बहुत लाभ हुआ था, पर इस समय बहुत सारी इच्छाएं पैदा हो जाने के कारण वह उस लाभ को भूल गया और उसके मन में दोष आ गया। एक दिन वह दोपहर की कड़ी धूप में गंगा जल का घड़ा सिर पर रखकर ला रहा था। रास्ते में उसने सोचा कि मैंने कितना साधु संग किया, कितनी गुरु सेवा की, कितने कष्ट सहे, पर अभी तक कोई फल नहीं मिला। तो कहीं ये साधु ढोंगी तो नहीं है, क्या मैंने इतने दिन व्यर्थ खोए। यह सोचकर उसने घड़ा जमीन पर रख दिया और भागने का विचार करने लगा। गुरु महाराज बड़े ही महात्मा पुरुष थे और परम योगी थे। उन्होंने शिष्य के मन की बात जानकर उसे चेताने के लिए योग बल से एक विचित्र कार्य किया। उनकी अपनी योग शक्ति से मिट्टी के जड़ घड़े में मनुष्य की तरह आवाज निकलने लगी। घड़े ने पुकार कर पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो। शिष्य ने कहा, इतने दिन यहाँ रहकर सत्संग किया पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए इसे छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ। घड़े से फिर आवाज आई, जरा ठहरो, मेरी कुछ बातें मन लगाकर सुन लो, मैं तुम्हें अपनी जीवनी सुनाता हूँ, उसे सुनने के बाद अगर उचित समझो तो चले जाना। शिष्य के स्वीकार करने पर घड़ा बोलने लगा, देखो मैं एक तालाब के किनारे मिट्टी के रूप में पड़ा था, किसी की भी कुछ बुराई नहीं करता था, एक जगह चुपचाप पड़ा रहता था, लोग आकर मेरे ऊपर मल त्याग करके जाते, सियार कुत्ते सभी बिना बाधा के, मैं सभी कुछ सहता, मन का दुख कभी किसी के सामने नहीं कहता, मेरा किसी के साथ कोई वैर नहीं था, तो भी न जाने क्यों एक दिन कुम्हार ने आकर मुझ पर तीखी कुदाल से वार किया, मेरे शरीर को जहां तहां से काट कर अपने घर ले गया, वहां बड़ी ही निर्दयता से मूसलों की मार मार कर मेरा चकना चूर कर डाला, पैरों से रौंद कर मेरी बड़ी दुर्दशा की, फिर उसने मुझे एक चक्र में डालकर खूब घुमाया। बड़ी मुश्किल से जब घूमने से पीछा छूटा तब मैंने सोचा कि अब तो इस विपत्ति से छुटकारा मिल ही जाएगा, पर परिणाम उल्टा ही हुआ। कुम्हार ने कुछ देर तक पीट कर मुझे कड़ी धूप में डाल दिया और फिर तपती हुई आग में डालकर जलाने लगा। अंत में वह मुझे एक दुकानदार के पास रख आया। मैंने समझा कि अब तो छूट ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी नहीं छूट सका। वहां मुझे जो कोई भी लेने आता ठोक कर बजाए बिना नहीं रहता। इस तरह लोगों के थप्पड़ खाते खाते मेरे नाक में दम हो गया। इस प्रकार कितना समय बीतने पर ठोकरे खाते खाते ही मैं इस साधु के आश्रम में पहुंच पाया हूँ। यहाँ पर मुझे पवित्र गंगा जल को हृदय तक धारण कर भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। इतने कष्ट, इतनी भयानक यातनाएं भोगने के बाद कहीं मैं परम प्रभु की सेवा में लग सका हूँ। जीवन भर महान दुखों की चक्की में पिसने पर ही आज संत जी की चरण सेवा का साधन बनकर धन्य हो सका हूँ। देखो भाई, उन्नति के ऊंचे सिंहासन पर चढ़ने वाले को पहले भयानक निराशा के थपेड़े सहने पड़ते हैं। इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाने पर फिर कोई भय नहीं रहता है। इसलिए मेरे भाई, तुम निराश न हो। जितना दुख या कष्ट आए, जितनी ही अधिक निराशा, अंधकार की काली काली घटाएं,
जीवन में चारों ओर फैल जाएं, उतना ही तुम भगवान की ओर अग्रसर हो सकोगे। क्योंकि कुछ बड़ा और महान पाने के लिए कुछ ज्यादा खोना पड़ता है। यातना की अग्नि जितनी ही अधिक होगी, तुम उतने ही शांति के समीप पहुंचोगे। घड़े की बातों से शिष्य की आंखें खुल गई। उसने अपनी पूर्व स्थिति के साथ वर्तमान स्थिति की तुलना की तो उसे साधना और गुरु सेवा का प्रत्यक्ष महान फल दिखाई दिया। वह घड़े को उठाकर गुरु की कुटिया की ओर चल दिया और वहां पहुंचकर गुरु के चरणों में लेट गया। इस दृष्टांत से यह समझना चाहिए कि हमें यदि जीवन में कुछ ऊंचा या बड़ा प्राप्त करना है तो किसी भी विपत्ति और कष्ट से घबराना नहीं चाहिए। संसारिक विपत्तियां और कष्ट तो जीवन रूपी मार्ग में पग पग पर आएंगे। कई बार जीवन का संघर्ष बहुत लंबा होता है और हम हिम्मत हार जाते हैं, पर जो व्यक्ति पूरी दृढ़ता के साथ डटा रहता है ऊंचाई को वही प्राप्त करता है। वास्तव में अपने मन के सारे भोगों का सर्वथा नाश कर देना ही पड़ेगा यदि आज की इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिली हो। तो ऐसी ही और कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रहिए हमेशा खुश। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।